अब आता है नौवा, आईजीपी मैट्रिक, लोएस्ट आईजीपी मैट्रिक टू रीच नेक्स्ट। इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो आर फोर आर फाइव पे अब मैं काम कर सकता हूं। अगर आर फोर पर आप देखते हो तो 1.0, 50.3 और 40.2 दो जगह से मिल रहे हैं। लोकल मैट्रिक जीरो है, कोई एमएडी नहीं है। लोकल प्रेफरेंस दोनों की 100-100 इक्वल है, वेट बराबर है, पाथ बराबर है, ठीक है, ओरिजिन भी बराबर है। अब यहां बात आ जाती है नेक्स्ट हॉप पे 50.3 और 40.2, यानी कि सब कुछ चीजें यहां पर सेम थी, लेकिन क्या डिसीजन नहीं आ पाया। फिर भी बीजेपी ने एक राउट को बेस्ट किया है 40.2। अब ये क्यों किया होगा, ये क्या हुआ है आईजीपी मैट्रिक पे, यहां तक 8 पॉइंट तक भी कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया है। आया कहा है, 9वें पॉइंट पर आया है आईजीपी के हिसाब से देखता हूं। इसने क्या किया होगा, अब मैं अगर आर फोर की अगर मैं बात करता हूं, इसने क्या किया होगा, शो आईपी राउट अगर आप देखते हो तो ये जो 40 वाला है, अगर आप इस 40 नेटवर्क को देखते हो, ये क्या है, लोकली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और जो 50 है, दोनों पर है 40 और 50, और 50 किससे आ रहा है, रिप से, और रिप की जो मेट्रिक है वो 1 आ रही है। 4 की 0 है और इसकी 1 है। तो आईजीपी मैट्रिक यानी कि इस नेबर को रीच कराने के लिए जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आपने चलाया हुआ है, उनकी जो मैट्रिक है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आता है। मींस अगर ये और दूर होते और यहां जा नेबर कहीं यहां कहीं और होता, मींस यहां पर बीच में दो राउटर और लगे होते, एक एक राउटर यहां होता, एक राउटर और यहां होता, और आपने नेबर यहां बनाया होता, इसका भी नेबर यहां बनाया होता और इसके लिए देख रहे होते, तो ये क्या करता, सब कुछ सिमिलर होने के बाद, लोकल प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ सेम होने के बाद, जब टाई ब्रेक हो जाता तो टाई ब्रेकर के काम रूप में काम कौन करता, तब करता जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आपने इस रीचेबिलिटी के लिए बनाया गया है, वो इस नेबर पर पहुंचाने के लिए जो लोएस्ट मेट्रिक ले रहा है, इस R5 पे जो रिप का बिहेव आया होगा इस नेबर तक पहुंचने के लिए, इस नेबर तक पहुंचने के लिए, तो इसने उस बिहेव को फॉलो किया होगा और उस पाथ को फिर उसने बेस्ट बना लिया है। जैसे R4 पे बनाया उसने इस वाले को, इस दो जगह R4 को देखा जाए तो दो जगह से मिल रहा है, यहां से इस वाले लिंक से मिलता है ये अपडेट और इससे मिलता है, तो इसने इसे बेस्ट बना लिया। तो सीधा से भी नजर आती है, रिप मैंने लगाया है, नेक्स्ट हॉप पर चलता है, तो आप देखें तो ये वाला जो लिंक इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 1 हॉप अवे है, इधर से भी, तो इसने इसको फॉलो नहीं किया, इसने इसे फॉलो किया। ये रीजन रहा, सेम डिसीजन R5 पे भी आया होगा, उसने 1.0 पर जाने के लिए 50.2 को यूज किया होगा, 3 के लिए इसे यूज नहीं किया हुआ, देख लेते हैं। अगर R5 पे भी अगर आप देखना चाहोगे तो मैं शो आईपी बीजीपी करो 1.0 पे, इसने किसे लिया हो, 50.3 को लिया हो, 30.21 नहीं लिया हुआ, रीजन यही है, आईजीपी मेट्रिक 50 के लिए कम है, 30 के लिए ज्यादा है। मीन्स रिप ने इसे बेस्ट बनाया है यहां जाने के लिए, इस नेबर पे ये बेस्ट ये नहीं है, ये 1 हॉप है, तो डिसीजन आपका इधर से आ गया, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर टाई हो गया। अगर ठीक है, यहां तक कोई ना कोई डिसीजन आपका आ जाना चाहिए, तो ये 9 स्टेप जो जनरल हैं, ये हर बुक में आपको नजर आएंगे, 9 नहीं तो अगर नेक्स्ट बुक नहीं आता तो ये 8 तो जरूर आएंगे, लेकिन फिर भी अगर डिसीजन नहीं आता, वो डिसीजन कहाँ नहीं आ रहा, वो डिसीजन नहीं आ रहा R1 के ऊपर। भाई इंटर तो आ गया, इंटरनल तो आ गया आईजीपी, अगर R1 पे देखते हो तो, अगर मैं इसकी डिसीजन की बात करता हूँ तो आईजीपी इसकी जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की अगर मैंने कुछ चलाई होती तो भी सेम आ जाता, दोनों की मैट्रिक बराबर आती तो भी यहाँ डिसीजन टाई हो जाता। अब क्या हुआ, इसके लिए ये राउटर भी इतने दूर है, ये राउटर भी इतने दूर है, ये लिंक दोनों सेम है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ भी टाई हो गया, यानी नाइन्थ स्टेप जो है वो भी टाई हो गया है। उसके बाद क्या क्या बीजेपी को मल्टीपल पाथ रख लेने चाहिए? मीन्स अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर कोई इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता, सब कुछ लगाने के बाद भी अगर इक्वल पाथ हो जाते तो क्या करते है? वो दोनों पाथों को रख लेता है और DIJRP OSPF आप कहीं भी चले जाइए, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर देते हैं। लेकिन बीजेपी में क्या प्रॉब्लम है, बीजेपी में कभी भी लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकती, उसे इनमें से एक ही पाथ रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप मैक्सिमम पाथ कमांड एक होती है उसे लगाकर भी राउटिंग टेबल में दोनों पाथों को प्लेस कर देते हैं, फिर भी आई बीजेपी की टेबल में आपको एक ही राउट होगा, एक प्रीफिक्स के लिए एक को यूज कर रहा होगा, राउटिंग टेबल ट्रेस आउट लगाओगे दोनों पे नहीं जाएगा। उसके भी बहुत अलग सिचुएशंस हैं, वो सीसीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं या डिजाइन में प्रैक्टिकल्स में ही बनाए जा सकते हैं वो मल्टीपल पाथ, क्योंकि ISP डिजाइन कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो बीजेपी में इसलिए मैं उन चीजों की बात नहीं करता जो अभी समझ से बहुत ज्यादा बाहर है,
तो यहां अगर बात की जाए तो बीजेपी को एक ही पाथ रखना है, दोनों को यूज ही नहीं करना है, तो एक पाथ रखना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ तो आईजीपी मैट्रिक्स सेम है, तो 9th पार्ट स्टेप जो है वो भी टाई कर गया है, तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ। ये तीन मैंने इसलिए अलग से कैटेगराइज करे हैं, स्पेशल हैं। ठीक, ये गया है ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट। ये सिचुएशन केवल ईबीजीपी में ही आ सकती है। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ R1 पे तो मैं यहाँ देखता हूँ इसमें से क्या किया होगा। तो ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट का मतलब क्या होगा, जो नेबरशिप पहले रही होगी या जो राउट सबसे पहले लर्न किया होगा उसको वो याद कर लेगा। तो शो आईपी बीजेपी समरी, यहाँ अगर आप 4.0 देखो 10.2 ले रहा है, 5.0 के लिए भी 10.2 ले रहा है। शो आईपी बीजेपी नेबर समरी कर लीजिए, उसी में दिख जाएगा। अब यहां पर देखिए जो 10.2 है ये, इसकी नेबरशिप 5 मिनट 21 सेकंड से अप, 1 घंटा 5 मिनट 21 सेकंड से अप है इसके, 1 घंटा 5 मिनट। तो कौन सी पुरानी है, ये वाली पुरानी है 10.2, और इसमें जो राउट लिया हुआ है इसने किससे लिया हुआ है, 10.2 से लिया हुआ। तो ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट क्या है, ये वाला, ये नेबर पुराना है तो राउट इसने सबसे पहले इससे लर्न किया, इससे 20 सेकंड बाद में लर्न किया हुआ है। जब भी आप देखोगे ये सेम सिचुएशन नजर आएगी, ठीक है, 20 सेकंड का डिफरेंस रहेगा दोनों नेबरशिप में। तो ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट क्या हो गया, जो आपका 10.2 था, तो आप यहां पर देखें तो शो आईपी बीजेपी में 10.2 ही आपका ओल्डेस्ट राउट है, इसी वजह से सब बेस्ट बनाया हुआ है इसमें बीजेपी को। तो यहां जाकर इसका टाई खत्म होता है 10.2 पे, क्लियर है। इसका एक और रूल भी है, अब जैसे दो राउट चल रहे हैं, आप कोई कहते हैं कि जी एक और लिंक अप हो गया है, अगर एक और लिंक आपने लगा दिया जैसे 10.2.20 और एक और ईबीजीपी लिंक लग गया है सेम आईएसपी से, और वही राउट दोबारा से परफेक्ट एक और लिंक से मिलने लगता है, तो बीजेपी क्या करता है, डिसीजन प्रोसेस चलाएगा। डिसीजन प्रोसेस चलाने के बाद भी अगर सब कुछ सेम आता है तो जो सबसे पुराना राउट है उसी को रखेगा। इसका फायदा क्या है, एक तरीके से फ्लैपिंग से बच जाता है। अगर कोई लिंक फ्लैप हो रहा है या जैसे आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो उसे बचने के लिए भी ये जो रूल है ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट ये फायदा देता है। ठीक, और इसमें क्या प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और जो इतना भी पुराना राउट होगा वो उतना ही ज्यादा रिलायबल माना जाता है, उतना ही ज्यादा अप माना जाता है, और उसी पर बीजेपी डिसीजन देता रहता है, ओल्डेस्ट पे आ जाता है। लेकिन अगर मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ नेबर, क्लियर आईपी बीजेपी स्टार लगाऊंगा, नेबरशिप रीसेट हो जाएंगी और दोनों एक साथ अप होंगी। अगर दोनों एक साथ अप हो जाती हैं, अब इसमें भी क्या है, यहाँ भी टाई हो सकता है, दोनों नेबरशिप एक साथ अप हो गई तो राउट दोनों से सेम टाइम पे आएगा, तो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक और डिसीजन बनाया गया, लोएस्ट स्मॉलर राउटर आईडी। ये स्मॉलेस्ट राउटर आईडी क्या है, बीजेपी में मैंने आपको बताया था बीजेपी राउटर आईडी से ही चलता है। ठीक है, नेबरशिप बनाने के लिए बीजेपी आइडेंटिफायर होता है जिसे राउटर आईडी बोलते हैं। अब राउटर आईडी दोनों राउटर्स की अलग अलग होंगी, अगर इस डिजाइन पर ही आप बात करो तो इसकी राउटर आईडी अलग अलग है, 2 है, इसकी 3 है, कैसे दिखाई देगी आपको, वो नेबरशिप से दिखाई देगी। मैं यहाँ दिखाऊं अगर आपको, तो शो आईपी बीजेपी नेबर देखे तो आपको उसकी राउटर आईडी दिख जाएगी, जो R2 है 10.2, जो लिंक है बीजेपी नेबर 10.2, उसकी राउटर आईडी क्या है, 222। और जो आपका अगला नेबर है 20.3, इसकी आईडी है 3, मीन्स इसकी राउटर आईडी 2.2 है। लूप बैक की मैंने मैनुअली कमांड से दे रखी है, इस पे भी मैनुअल कमांड से राउटर आईडी दे रखी है बीजेपी राउटर राउट बीजेपी के अंदर जाके प्रोसेस में आप मैनुअल राउटर आईडी दे सकते हो, तो मैंने राउटर आईडी चेंज की हुई है इस ये दिखाने के लिए। तो R2 की 2.2.2.2 है, इसकी 3.3.3 है। तो फिलहाल अगर देखें तो राउटर आईडी पे भी आप मान सकते हैं डिसीजन आया हुआ है। तो जो छोटा होगा, अगर सब कुछ टाई हो जाता है, टाई का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके ओल्डेस्ट ईबीजीपी राउट यानी आपने क्लियर कर दिया, ईबीजीपी दोनों क्लियर मार दिए, प्रोसेस रीसेट कर दिए, तो क्या होगा, सेम टाइम पे आ सकते हैं। सेम टाइम आने के बाद क्या होगा, टाई हो जाएगा, तो टाई ब्रेकर का काम कौन करेगा, स्मॉलेस्ट राउटर आईडी, जो सबसे छोटी राउटर आईडी होगी जिस भी नेबर की, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, दोनों राउटर की राउटर आईडी तो अलग अलग है, तो ये 12वां स्टेप कहां से है? हो सकता है कि राउटर आईडी भी टाई कर गई हो, स्मॉलेस्ट राउटर आईडी भी टाई कर सकती है। कैसे, ये कर सकते हैं ईबीजीपी केस में, जैसे आपके पास ये एक राउटर है और एक ये राउटर है और आपके पास दो लिंक है। ठीक, अब आपने क्या, इन दोनों, इसकी आईपी है 10.1 और इसकी 20.1, आपने यहां से भी नेबर बना दिया ईबीजीपी, यहां से भी नेबर बना दिया,
और इसकी जो राउटर आईडी कर रखी है वो मैनुअल आइडेंटिफायर 1.1.1 कर रखी है। नेबर तो 10.1 से बन जाएगा, आपने दोनों के बीजीपी फिजिकल लिंक रिडंडेंट बना दिए, लेकिन राउटर आईडी अलग है। अगर आप यहां पर देखो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, राउटर आईडी से नेबर नहीं बनाता है, नेबर तो फिजिकल लिंक से बनेगा। नेबर जो देखोगे आप 10.2 है, लेकिन उसका जो राउटर का जो आइडेंटिफायर है वो जो बीजीपी स्पीकर है, हमने उस राउटर आईडी क्या करती है, उस बीजीपी स्पीकर का नाम है, वो नाम मैनुअल मैंने 2.2.2 कर दिया। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, अब दो नेबर हैं ये और ये, लेकिन राउटर आईडी तो सेम ही है राउटर की, तो यहाँ भी टाई हो गया। अब जब यहाँ टाई हो गया तो बहुत बड़ी सिचुएशन है। पहली बात तो ये सिचुएशन इतनी जल्दी से आएगी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं रखते। फिर भी अगर आ जाती है तो क्या होगा, अब जो सबसे लास्ट में टाई ब्रेकर है, दैट्स लोएस्ट नेबर आईडी, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर डिसीजन आएगा इस इंटरफेस की आईपी और इस इंटरफेस की, जो भी नेबर है उसकी जो इंटरफेस की आईपी है, जिस आईपी से आपने नेबर बनाया हुआ है उसकी आईपी एड्रेस से बनेगा। एक इंटरफेस से दो नेबर नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहां जाकर टाई ब्रेकर 101% खत्म हो जाएगा और बीजेपी डिसीजन ले जाएगा कहां नेबर आईडी है। इन केस अगर आपकी लूप बैक यानी राउटर आईडी भी टाई मार जाती है तो लोएस्ट नेबर आईडी पर आप डिसीजन लोगे और आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी डिसीजन लेता है। और ये जो 12 स्टेप है इसके आगे कोई बचता ही नहीं है, तो यानी कि कुछ भी सब जगह आप टाई करते चले जाओ, और जो सबसे लास्ट में अगर आप आओगे तो लास्ट में आने के बाद भी जो सबसे लास्ट का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर जरूर करा देगा और आपका बीजीपी एक पाथ को यूज कर लेगा और राउटिंग टेबल में प्लेस कर लेगा। तो ये है बीजीपी डिसीजन प्रोसेस। इसको कई बार सुनिए और कई बार ध्यान से देखिए, और प्रैक्टिकल जब आप लगाएंगे तो उस चीजों में चेक कीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, हर राउटर का बिहेव अलग अलग है। ये जो इस राउटर का बिहेव मैंने आपको बताया था कि ये दे रहा है किसके ऊपर, ओल्डेस्ट बीजीपी राउट के ऊपर देता है। अगर मैं R2 और R3 की बात करता हूँ तो ये ईबीजीपी ओवर आईबीजीपी पर देता है। देखिए ये आईबीजीपी है, ईबीजीपी पर देता है। और अगर R4 R5 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये किस पर दे रहे हैं, ये मैट्रिक आईजीपी मैट्रिक पर दे रहे हैं, वो जो 9 स्टेप्स हैं उनके अंदर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच में अगर हमने एस पाथ लगाया होता तो ट्राई ब्रेकर रुक जाता और R1 पर अगर मैं बात करता हूँ तो केवल यहाँ पर आ जाता डिसीजन, अगर यहाँ पर आता। अगर आपने लोकल प्रेफरेंस लगाया तो आईबीजीपी में लोकल लोकल प्रेफरेंस पर रुक जाता, आगे नहीं जाता किसी भी चीज में। इस तरीके से बीजीपी काम करता जाता और आपका काम बनता जाता। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिसीजंस के लिए, और भी ज्यादा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या समय बहुत ज्यादा कम है और काम बहुत ज्यादा है। पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिससे आप लोगों को फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ठीक, और मिलते हैं अगले एक और बेहतरीन वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।